हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज का वीडियो जो है फिर से मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। क्या हुआ था एक्चुअली, हमारे घर में जो है पानी जो ख़त्म हो चुका था। मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी की बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है यार। मतलब कभी पानी आता ही नहीं है, ऐसा होता है कि हफ्ता हफ्ता भर पानी ही नहीं आता है। और जब आता भी है तो इतना कम पानी आता है कि उससे तो हमारी मुश्किल से 3 या 4 बकेट्स इसी तरीके से जो है भर पाती हैं। तो फिर हमें तभी बोली पे जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। और आजकल क्या है ना कि एडिटिंग के लिए मुझे कोई स्पेस नहीं मिलती यार। तो फिर मैं वीडियोस बना के रख देती हूँ और फिर मुझे एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। और क्योंकि रात को भी आपको पता है इस टाइम हमारे यहाँ पे ना जो छोटे छोटे जो वो होते हैं ना कीड़े वगैरह और जो होते हैं इनकी इतनी ज़्यादा साउंड होती है कि मैं जब भी वीडियो एडिट करती हूँ तो उन चीज़ों की आवाज़ जो है उसमें आ जाती है। और फिलहाल जो है अभी भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, या तो हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनका ठक ठक और उस चीज़ की साउंड आ जाती है, या फिर चीनू जैसे अभी टीवी देख रहे हैं तो उस चीज़ की साउंड आ जाएगी। तो कोई स्पेस नहीं मिलती है। अगर आपको एक्स्ट्रा आवाज़ कोई भी सुनाई देती है तो प्लीज़, कोई शोर आपको सुनाई देता है तो उसको इग्नोर करिएगा। उस चीज़ को लेके आप कमेंट मत करिएगा कि शोर आ रहा है या वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा कुछ। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पे किचन में जो है बर्तन वगैरह फिर रात को साफ़ नहीं हो पाए थे, तो अभी जैसे सुबह मॉर्निंग में पानी आया है, मॉर्निंग में हमने पानी का जो टैंक है वो फिकवाया है पूरा। और उसके बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने का जो काम है किचन साफ़ करने का, वो सब मैं मॉर्निंग में उठ के वो अच्छे से कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ धुली मूंग की दाल। तो इसको मैंने भिगो के रख दिया था आधा पौना घंटा के लिए। और उसके बाद अगर आप कभी इस तरीके से दाल को भिगोना भूल जाते हैं तो आप गर्म पानी में उसको भिगो के रख दें तो उस तब भी आपको मतलब उसमें आपको कम टाइम लगता है। तो फिलहाल जो है मैंने भिगो के रखी थी, मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और कुछ करी के लीव्स जो हैं वो ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा ऐड करूंगी यहाँ पे अदरक ग्रेट करके, और उसके बाद ऐड कर दूंगी इसमें थोड़ा सा रेड चिली ड्राइड वाली, एक ही डालूंगी मैं क्योंकि चीनू भी खाते हैं, तो बिल्कुल उसको तोड़ के नहीं डालूंगी, साबुत ही डालूंगी। उसके बाद थोड़ा और काम जो है वो कर लेते हैं। इसको मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दूंगी। यहाँ पे एक स्टेप मेरे से मिस हो गया है, वो है ऑयल डालने का। तो ऑयल मैंने डाला था लेकिन वो वाला जो क्लिप है वो ऐड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है अपनी थोड़ी सी क्लीनिंग व्लीनिंग का काम जो है साथ साथ में वो भी निपटा ही लेते हैं तो बेटर रहेगा। अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। तो आलू जो है मैंने लेंथ वाइज कट कर लिए हैं, और इस तरीके से काटने से ये होता है कि इस तरीके से आप कट करोगे तो उनका जो साइज़ है शेप जो है वो एक जैसी आती है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में भी और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं। तो बस यहाँ पर ऑयल जैसे ही मेरा हॉट हो जाएगा उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया है क्यूमिन सीड्स। आप चाहें थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अजवाइन नहीं था तो मैंने यहाँ पर सिर्फ क्यूमिन सीड्स ऐड कर दिया है। उसके बाद आपको इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से जो है इसको भूनना है आलू को, ताकि इसके ऊपर एक ब्राउन सा जो क्रस्ट है वो फॉर्म हो जाए, तो करारे से जो क्रिस्पी से आपके आलू हैं वो बन जाएं। और फिर लास्ट में जो हमारे ड्राई मसाले होंगे वो ऐड करेंगे हम, जब ये आलू 70-80% अच्छे से पक जाएंगे।
यहाँ पे मैंने अपना पैन चढ़ा दिया है। मैं तैयारी कर रही हूँ दाल तड़का बनाने की, और बस यहाँ पे हीट किया मैंने ऑयल, और ऑयल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। आप चाहें तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और फिर उसके बाद जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो स्मोक हो जाएगा, उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़े से क्यूमिन सीड्स, जीरा, और उसके बाद जीरा जैसे ही क्रैकल होता है आपका, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 2 ग्रीन चिलीज़। उसके बाद ऐड कर दिए हैं मैंने यहाँ पे चॉप्ड अनियंस, और इनको अच्छे से करना है हमें फ्राई, भूनना है इनको अच्छे से। और जैसे ही ये बिल्कुल अच्छे से भून जाएंगे, उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें टमाटो प्यूरी, और टमाटो में मैंने अदरक और लहसुन जो है वो भी उसके साथ ही पीस लिया था, तो उनका पूरा एक पेस्ट बना के वो इसमें ऐड कर दूंगी। 2 स्मॉल साइज़ के जो टमाटोज़ हैं वो मैंने लिए थे। और बस यहाँ पे जो है हमारा मसाला अब हम अच्छे से भूनेंगे, और इसमें थोड़े से ऐड कर देंगे ड्राइड मसाले अपने। और ड्राइड मसाले में मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे ऐड करूँगी धनिया का पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। नमक मैंने दाल में भी ऐड किया था। तो बस ये सब कुछ ऐड करने के बाद इस मसाले को अच्छे से भूनना है, और थोड़ा सा ऐड कर दिया यहाँ पे मैंने टिक्की का मसाला। तो इस मसाले को बिल्कुल अच्छे से टाइम लगा के भूनना है, उसमें आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। और जैसे ही आपका मसाला जो है ऑयल छोड़ने शुरू हो जाएगा, इसका मतलब आपका मसाला जो है वो डन हो चुका है। तो बस इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी दाल, और दाल को थोड़ा सा मिक्स करेंगे मसाला के साथ, ताकि अच्छे से जो चीज़ें हैं वो मिक्स हो जाएं। तो बस इस दाल में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी पानी, लेकिन उससे पहले मैं जीनू के लंच बॉक्स के लिए इसी तरीके की सूखी दाल जो है वो निकाल दूंगी। उनको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लगती है ऐसी वाली दाल, और वो इसको चपाती के साथ खाने वाले हैं, लेकिन मैं और अयाना इसको फ़िलहाल चपाती के साथ खा लेंगे, और उसके बाद दोपहर में हम इसको लंच के साथ खा लेंगे, क्योंकि किचन अभी तक सेट नहीं है। और ये वीडियो थोड़ी पुरानी है, किचन वाले वीडियो से पहले की शूट की थी, तो इसलिए अभी हमारी किचन नहीं बनी थी, ये तब की वीडियो है। तो बस यहाँ पे दाल हमारी बनके हो चुकी है रेडी, अब बना लेंगे अपनी चपातियाँ। जब तक वर्कर्स नहीं आए होते हैं, तब तक जितना काम मेरा किचन में निपट जाता है वो वहाँ पे कर लेती हूँ। लेकिन चपाती बनाने में बाहर जैसे गैस चूल्हा रखा है, वहाँ पे बनाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती रही हमें। तो फिर मैं इस तरीके से अंदर बैठ के, क्योंकि इंडक्शन हो चुका था ठीक, और फिर मैं इस तरीके से अंदर बैठ के आराम से बना लेती थी। तो यहाँ पर बन रही है हमारी गर्मा गर्म चपाती, और सुबह का सारा काम फिनिश हो चुका है। फिलहाल हम कर लेंगे अपना ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, तो आ चुका है मेरे पास मेरा नया ट्राईपॉड, और इसको देख के इतनी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि पिछली बार का जो ट्राईपॉड था वो इतना छोटू सा था, मुझे तो तब वो भी बहुत बड़ा लगता था, लेकिन अब जब मैंने ये वाला मंगवाया है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके कंपेरिजन में, और है भी बहुत अच्छा। और आप में से कोई अगर ट्राईपॉड खरीदना चाहता है तो वो ले सकता है, ये वाला ट्राईपॉड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। और ये देखो ये कितना छोटा सा ट्राईपॉड है, और ये वाला जो है बिल्कुल बिग साइज़ का, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये।